guys, guys, you can take two groups out of this, please. The ones who have come little later, na, the camera people, ask them to come and join us on this side. There is space. Left side, left side. Will be you. So yeah. Yeah. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत डांस कर चुका हूँ, बहुत डांस करने वाला हूँ। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ डांस, भागता हूँ डांस से, लेकिन ये सनी प्लिया की शादी ऐसी आई है, जी वालों ने ऐसा नचाया मुझे कि मुझे लगता है मेरी भी शादी हो जानी चाहिए जल्दी। हाँ यार, हर्षल ने डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छा ड्रेस है। फ्लोरल मैं पहनता नहीं हूँ, मुझे पहनाया गया है, एंड आई एम गेटिंग गुड लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इट। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा। आप बताइए, अच्छा लग रहा है क्या? हाउ इज इट फ्लोरल? बट इट्स नाइस, आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग डिफरेंट राइट नाउ। शादी एक्साइटमेंट बहुत है, मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ करने को है, और डांस परफॉर्मेंसेज हैं, और लड़कों का मैं बराती हूँ तो बहुत शोर मचाने वाला हूँ और बहुत दंगा करने वाला हूँ, और लड़के आएंगे और लड़की उठा के ले जाएंगे। यार इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, आई डोंट थिंक किसी ने इससे पहले अटेम्प्ट किया होगा। जी इज द ओनली चैनल हु इज डूइंग इट, और ये थॉट ही बहुत ब्रिलियंट है कि एक शादी आप पूरे क्रू के सामने, जो उनके फेवरेट एक्टर्स हैं उनके सामने कराएं, और वो भी लाइव चैनल के सामने, तो इससे अच्छा क्या थॉट हो सकता है? मतलब मैं सनी और प्रिया की जगह होता तो मैं तो बहुत ही खुश होता, मैंने तो बोला मेरी भी शादी करा दो यार ऐसे, मतलब इससे अच्छा क्या होगा। नहीं इट्स अ जोक एक्चुअली, मैं सिंगल अच्छा हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन शादी के माहौल देख कर लग रहा है कि मेरी भी करा दो। ऐसा है नहीं कि मुझे करनी है शादी, इतनी एक्साइटमेंट देख के, इतना लोगों को देख के, इतना तामझाम देख के लग रहा है कि यार ऐसे तो कर सकते हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है तो कर ही जा सकती है। फॉर द फन, नॉट इन रियल, फॉर द फन। नॉन डांसर हूँ, बहुत मेहनत करी है मैंने डांस करने की, प्लीज़ मेरा डांस देखिएगा। और अच्छा हो रहा है, एक ऑलरेडी हमने दो एक्ट हैं, दोनों एक्ट में कर चुका हूँ अच्छे से प्रैक्टिस, और चार दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आई थिंक आई गॉट इट, लाइक आई क्रैक्ड इट, हो गया है मुझसे, मज़ा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm expecting to just sort of host a really good event, so I'm hosting the event today, and Zee Rishte Awards, this would be my third installment of Zee Rishte Awards that I'm hosting. सो क्या अलग होने वाला है ये तो अंदर आप जब जाएंगे आपको पता चलेगा। एक तो परिवार जो है साल दर साल बढ़ता चला जाता है, नए नए सदस्य जो है जी के परिवार में जुड़ते चले जाते हैं, और जी का ये कुटुंब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा खुशमय हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर फॉर मी टू यू नो होस्ट द स्पेस एंड सॉर्ट ऑफ यू नो बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली अगेन एंड अगेन, ईयर बाय ईयर। तैयारियाँ यार लड़के कहाँ तैयारियाँ करते हैं, लड़के तैयारियाँ नहीं करते हैं, उनको अलमारी में जो पहली चीज़ मिल जाती है वो पहन लेते हैं, मगर मैं वो लड़का नहीं हूँ। सो फॉर मी आई थिंक आई डोंट डू एनी थिंग, देर इज साची एंड साची वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन माई आउटफिट, अरुण एंड इश्तियाक वर्क वेरी हार्ड ऑन माई हेयर, माई मेकअप गाय श्याम ही वर्क वेरी हार्ड ऑन माई मेकअप, Sudipan keeps it all together, so I am nothing without these are the people who are keeping. Samir is my PSO, he keeps everything intact, so I think it's the team, it's I don't can't take any credit. अवार्ड के साथ एक शादी भी होती है, शादी के लिए कितने एक्साइटेड हो? एक अलग कॉन्सेप्ट है इसलिए, तो बचपन से ही है शादी के लिए, तो हमेशा से ही एक्साइटेड होते हैं, और जब पता चलता है कि कोई शादी होने वाली है तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेटरी माहौल जो अंदर है, जब आप अंदर का फुटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग, वन इवनिंग दैट आई थिंक विल बी रिमेंबर्ड इन इंडियन टेलीविजन फॉर एवर। थैंक यू।
क्या राय हो सकती है मेरी, मतलब आई थिंक मैं सिर्फ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट आई वांट टू से थैंक यू, बिकॉज जब ऐसा कोई जब भी कोई एक क्राइसिस आप देखते हैं या कोई ऐसी इस तरीके की घटना आप देखते हैं, तो आप सबसे पहले आपका जो ध्यान होता है वो जाता है उन लोगों पे जो आपके बेहद करीब हैं। तो मेरी अपनी पत्नी जो है इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, और इस तरीके की अगर प्रेडेटर्स इस इंडस्ट्री में हैं और इस तरीके का अगर प्रपोजल कभी उसके सामने आया होता या इस तरीके की हरकत कोई उसके सामने हुई होती सरगुन के सामने, आई वुड हैव आल्सो ब्लोन माय लिड, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता, गुस्से से पागल हो जाता मैं। तो मैं बहुत बहुत फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट आई वांट टू थैंक एवरी वुमन हु स्टूड अप, बिकॉज साथ साथ आपने पूरे बॉलीवुड का शुद्धिकरण कर दिया एंड द इंडस्ट्री इज सेफर फॉर वेमेन दैन इट हैज़ एवर बीन। बस एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री को आप थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाइए और इस इंडस्ट्री को दोनों जेंडर्स के लिए सेफ कर दीजिए, बिकॉज ऑल द प्रेडेटर्स आर नॉट स्ट्रेट मैन, सो जस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि ये मूवमेंट अब शुरू हो गई तो लेट्स क्लेंज इट वंस एंड फॉर ऑल। थैंक यू। अवार्ड को लेके हमेशा ही इंसान एक्साइटेड ही होता है और हम भी हैं, और आज चूँकि शादी भी होने वाली है और हम इस शादी का जो हिस्सा है स्टार्टिंग से है रोके में थे, अंताक्षरी खेली हमने तो, और अब शादी भी होने वाली है और अवार्ड्स भी हैं आज, तो एक्साइटमेंट तो है। एक अपने लुक के बारे में बताएं, काफ़ी शादी के माहौल से जुड़ा हुआ लुक लग रहा है। एक्चुअली हमारे कॉस्ट्यूम है, कैरेक्टर कॉस्ट्यूम इश्क सुभानअल्लाह, शेरवानियाँ पहनते हैं एंड वेरी वेल डिज़ाइंड शेरवानी एंड द होल थीम फॉर इश्क सुभानअल्लाह इज ग्रीन, तो हम सब ग्रीन में हैं, लेडीज भी आएंगे वो भी ग्रीन में होंगे। थैंक यू। बहुत ज़्यादा हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा यार। क्या कुछ अलग देखने वाला मिलने वाला है इस साल जी अवार्ड में? सबसे पहला तो आई थिंक सनी की शादी और अवार्ड शो तो है ही, तो शायद अवार्ड भी मिल जाए। टू बी ऑनेस्ट ये मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ किसी अवार्ड शो में, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे क्या होता है, और जो भी देख रहा हूँ आप सब लोग को देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर भी काफ़ी कुछ है तो जस्ट एक्साइटेड। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है कि एक अवार्ड फंक्शन में किसी कपल की शादी हो रही है, तो कैसे कुछ अलग सा है। इनिशिएटिव बाय जी टीवी और yes. बहुत ही यूनिक कंसेप्ट जी टीवी ने निकाला है एंड आई थिंक उनको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी इस चीज़ का। राइट, एब्सोल्युटली। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा फर्स्ट ईयर है जी रिश्ते में एंड मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, लाइव परफॉर्म कर रही हूँ और फिर नॉमिनेटेड भी हूँ मैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड नर्वस। मैं एक्चुअली सुन के पहले तो शॉक हो गई थी दैट शादी वो भी लाइक यू नो टेलीविजन पे, बिकॉज ये पहले आज तक कभी हुआ नहीं है, सो फर्स्ट आई वाज वेरी शॉक्ड और फिर बाद में मुझे पता चला था ओके वाओ, बिकॉज मुझे शादियों में ना बहुत मज़ा आता है, इट्स लाइक यू नो डांस होता है, मेहंदी होती है और हमने सब कुछ किया है, सो बहुत खुश हूँ मैं। सर आपका लुक भी एक शादी के माहौल से जुड़ा हुआ है, लुक के बारे में कुछ बताइए। लुक के बारे में आई एम जस्ट वेयरिंग अ नाइस थोड़ा इंडियन टाइप गाउन और लाइक आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट टू मैच अप टू द थीम, हमें रेड थीम मिला गया था, सो आई होप आई एम लुकिंग गुड। थैंक यू सो मच। शादी होने वाली है, हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, धमाल, मस्ती, परफॉर्मेंसेज, अवार्ड्स, शादी और शादी के बाद खाना भी।
क्या आता है? शादी का नाम सुन के सबसे पहले दिमाग में टेंशन आता है क्योंकि चार पाँच साल से बंदूक लगी हुई है यहाँ पे कि कब शादी करोगे कब शादी करोगे मेरे घर पे. सो नाउ आम वो ये है कि शादी जब आता है तो सोचता हूँ अरे भाई हाँ. बट दूसरों के लिए अच्छी बात है कि खुशी होती है किसी की शादी में जाओ तो अच्छा लगता है. लोग मिल रहे हैं, दुनिया बन रही है, प्रोडक्शन चालू है. तो शादी होने वाली है घर वाले मतलब? अरे भाई अभी नहीं करूँगा, कब करूँगा यार. अभी तो मतलब हो गया ना, अभी बाल वाल सफ़ेद हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा फिर. काफ़ी अलग सा कॉन्सेप्ट है इसी का, एक शादी हो रही है अवार्ड के साथ, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? मैं घर पे बोला कि मैं अवार्ड पे भी जा रहा हूँ, शादी में भी जा रहा हूँ. तो बोले आज के दिन बोला हाँ दोनों एक ही जगह पे है, तो इट्स नया चीज़ है कि अवार्ड भी हो रहा है शादी भी है. तो आई थिंक एक बहुत नई चीज़ है, एक जी टी वी एक नई चीज़ कर रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू. आपके लुक के बारे में कुछ बताइए. क्या नॉर्मल लुक है, कुछ खास तो है नहीं. मतलब शादी है, लोगों ने बोला शादी का पहनो पगड़ी और शेरवानी पहनो. मैं बोला यार मैं एक तो ऑलरेडी इतना सा हूँ, पगड़ी रखोगे तो इतना सा दिखेगा. तो मैं बोला सूट वूट पहनेंगे, थोड़ा थोड़ा लगा देना उधर, पत्ता वत्ता लगा देना, शादी का लगेगा. देखिए शादी हो, मुंडन हो, कतना हो, कुछ भी हो, आप मेरे को जिधर बोलोगे नाचूंगा. मेरे को कोई नाच से प्रॉब्लम नहीं है, नाच की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, नाच की वजह से आप मुझे ले रहे हो. मतलब इंटरव्यू. चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत ही गंदा किया. What more here? This camera. Quick. बिल्कुल आई थिंक आपको दो मिनट रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कम होता है. वैसे तो ये सारी शाम चलती रहेंगी. कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में बहुत सारी शादियाँ कराई हैं, प्रज्ञा की, बुलबुल की, और प्रीता और सृष्टि भी अभी लाइन में हैं. तो सोचा कि प्रिया एक प्यारी सी बच्ची है, उसकी शादी भी करा ही दें सनी जैसे अच्छे से लड़के के साथ. तो आज की शाम उन दोनों के नाम बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है उन दोनों को कि अपनी ज़िंदगी जो वो शुरू कर रहे हैं जी परिवार के साथ, पता नहीं 173 कंट्रीज़ में लोग उनको देखने वाले हैं लाइव, और एक पहली बार टीवी पर ऐसा हो रहा है कि सचमुच की शादी हो रही है, वरना हम तो रोज़ ही शादियाँ करते रहते हैं टीवी पर. तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी दुआएं हैं, और एक माँ हूँ. What's up guys? Hi. Loud है ना काफी? काफ़ी एक्साइटेड हूँ. आई थिंक मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड, क्योंकि काफ़ी लोगों को मौका नहीं मिलता एक्टर बनने का और शो करने का. तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड क्वाइट एक्साइटेड, जैसे आपने देख लिया शुरुआत में. जी आपका क्या कहना है इस बात? जी आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्योंकि अवार्ड और शादी साथ में, तो उसके बाद तो धमाल होना ही है. आई थिंक जो कपल भी है वो काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि अपने फेवरेट स्टार्स के साथ वो लोग मन शेयर करेंगे और लाइव परफॉर्मेंसेज होंगी. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट. मुझे कहने के ऐसा लगता है कि ऐसा होता नहीं है, बट जी ने इनिशिएटिव लिया है, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. बिल्कुल नहीं. अच्छा ये शादी में करने का? अच्छा मेरी शादी करने का तो बिल्कुल नहीं. ये शादी में आई थिंक नाचना और दारू तो पी नहीं सकते, बट आई थिंक वील हैव अ नाइस टाइम. एंड अगर नॉन वेज है नो नवरात इज ऑन, बट देखते हैं कहीं ना कहीं पीछे बैक सीट जाके कुछ खा लेंगे. जिस हैव अ गुड टाइम बेसिकली. अगर आपसे जाना चाहिए, बात हो रही है रिश्ते की, शादी की, तो आपके लिए शादी कितने मायने रखती है? आप शादी को कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक इट्स एन इंस्टीट्यूशन, मुझे कहने का ऐसा लगता है. और ऑनेस्टली आज का जनरेशन तो शादी में ज़्यादा मानता नहीं है. इट्स वन ऑफ द हुकअप कल्चर टुडे. एंड मुझे कहने का ऐसा लगता है कि जो प्यार है वो कंडीशनल हो गया है अभी.
एक ज़माना था जब बहुत अनकंडीशनल था, जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स. अभी आके थोड़ा सा वैसा हो गया कि सब चिल करो एंड यू नो जस्ट हैव अ नाइस टाइम इन लाइफ एंड ऑल. बट आई एम श्योर मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. इफ यू आर इन लव विद समबडी आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड yeah, I think it's great. Yeah, Karan, you always come up with some unique style. So, can you tell us about your today look? Footwear is like no, I wore something very one second. Wore something. So, I'm wearing an anchor shoe because okay. I have an anchor over here, and I'm wearing a Kolhapuri as well, which is, I really like this one. And I'm wearing something by Angrish and styled by Pranav and Jessica. And yeah, I think the idea is to be very comfortable in what you wear and not get stiff or you know you're like walking like that and all of that. So I think it's all about being very comfortable and yeah, so just in my zone. Is there any special performance by you? We will be performing later on Badrinath Ki Dhulaniya and yeah, that's about it. Thank you. Thank you. Sir, right hand hai. Thank you. Wait. Thank you. Mom, all right bro, I'll wait for you. Thank you. बहुत बहुत मजा आएगा एंड इट्स स्पेशल दिस टाइम बिकॉज सनी एंड प्रिया आर गेटिंग मैरिड एंड दोनों बहुत 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 प्यारे हैं. अपनी दोनों अलग हैं लेकिन देर सो गुड टुगेदर. तो आई एम एक्साइटेड टू मीट द फैमिली. फाइनली हमने इतने दिनों उनके साथ शूट किया बट वी हैवन शॉट विद द फैमिली. सो या टुडे विल बी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. इनफैक्ट ओके श्रीति, शादी का माहौल है, शादी की अगर बात करिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है शादी के नाम? फूड, खाना, बहुत अच्छा खाना. या लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा तैयार है. हम तो बेसिकली कठपुतली हैं बट द टीम बिहाइंड द स्क्रीन हैज़ वर्क हार्ड लाइक ओवर द पास्ट वन एंड हाफ मंथ. आई थिंक द टीम दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द अवार्ड्स, द कोरियोग्राफी टीम, द डांसर्स, एवरीवन हैज़ बीन वर्किंग सो हार्ड एंड दे पुल्ड ऑफ अ रियली गुड शो. आई एम श्योर यू गॉट इंसर्ट्स ऑफ द सेट एंड इट्स ब्यूटिफुल एंड द एंट्री ऑफ द दुल्हन वी हैव रिहर्स्ड इट वंस एंड इट्स ब्यूटिफुल. यू हैव टू सी इट, इट्स रियली समथिंग. You'll know tomorrow on my Instagram. Ma'am, recently lot of going on in Bollywood, Me Too movement regarding culture. What is your take on this entire? I think it is a very necessary movement, and I hope every injustice, every culprit is punished, and I hope more courage is given to all victims. And thank you for showing so much courage. For all of us, because if we make the world safe, it's for all of us, irrespective of our gender. We're making a healthy environment for all of us, and a revolution is like this is absolutely unnecessary. Is absolutely necessary, and all of us are not equal till all of us are equal. Not just women. Obviously, women के साथ सबसे ज़्यादा होता है. Nobody can deny that fact. But there's so much inequality generally, violence against trans people, or
homosexual people, we have to beat all that and create a really nice and healthy world where everybody is safe and everybody is happy. मेरे लुक के बारे में आप कल इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा. But yeah, my hairdresser, my makeup and my stylist Ankita, they've worked really hard and I rely on them for everything because I can't think of things. So thank you to them. Okay, just lastly, काफी nominations हैं, awards हैं, and हर साल की तरह इतना प्यार मिला आपको. इस बार क्या कुछ उम्मीदें जोड़ रखी हैं? मुझे तो क्या, like every year I give this one answer that Zirishte Awards is like an annual function of sorts, जैसे school में होता था, where all of us get to meet each other because we don't get to meet each other, the actors. So that's a lot of fun and obviously there are nominations and because Rishto ka nominations hai, so I think it's more of an award for the creator, the writer, the directors and people who have created the character. Again, hum sirf kar dete, hume jo bola jata hum kar dete. I think Rishto ko jo award milta hai, wo creators ka award hota hai and I think that's really great. Any other questions, guys? Thank you. How good am I? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का. क्या कहना चाहेंगे इस जश्न की रात का, ये मौका है जब हर किसी चहेते से मिला जाता है, क्या कहना चाहेंगे? यार आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एक साल का रिश्ता है मेरा जी के साथ और लास्ट ईयर यू नो दे वेलकम मी टू द फैमिली एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुनाइट. मैं होस्ट कर रहा हूँ, आई एम द मेन होस्ट फॉर द इवेंट एंड I'm performing as well. So I'm really, really looking forward to it. सबको एक साथ, पूरी फैमिली को, पूरी जी फैमिली को एक साथ देखना, you know, उनके साथ इंटरेक्ट करना. I think I'm at the top of the world. No, I think I'm more excited because he's hosting with Zee for the first time. He's also dancing and he's doing a lot of fun things and hopefully winning an award as well. So I'm more excited than you. I'm happy. यार मुझे ऐसा लगता है यू नो शादी इज ऑलवेज द नेक्स्ट डे से बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई बिलीव इन इन अ कपल शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी. अगर आपके अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी, बाकी सब कुछ अपने आप यू नो एवरीथिंग फेल्स इन प्लेस, एक साथ सब कुछ हो जाता है. लेकिन अगर ये दो चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे को समझते हैं और आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं इन अ गुड वे, एंड सीन सो आई थिंक लाइफ बिकम्स स्मूदर. ऑल्सो आई थिंक शादी का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज एवरी मैरिज इज़ डिफरेंट, हर रिलेशनशिप अलग है, हर शादी अलग है. तो अगर आप हमसे पूछें कि हमारी शादी का क्या डेफिनेशन है, तो धीरज ने अभी अभी हमारी शादी का डेफिनेशन दिया. बट आई डोंट थिंक शादी जैसी ब्यूटिफुल चीज़ डिफाइन की जा सकती है, किसी भी एक यू नो किसी एक चीज़ में बांधी जा सकती है. सबकी शादियाँ अलग हैं, सबकी शादियाँ यूनिक है, सबकी शादियाँ प्यारी हैं, डिफरेंट है, लवेबल हैं. सो मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट आई एम वेरी लकी दैट शी इज़ इन माय लाइफ एंड व्हाट एवर आई एम टुडे आई थिंक शी इज़ माय लेडी लव एंड दैट्स व्हाई शी इज़ टुडे हियर आल्सो विद मी सो दैट यू नो होपफुली आई विल विन द अवार्ड आल्सो. सो शी इज़ माय लेडी लव सो आई टोटली बिलीव इन दैट एंड यू नो आफ्टर आई गॉट मैरिड टू हर एंड लाइफ जस्ट चेंज फॉर मी एंड प्रोफेशनली आल्सो पर्सनली आल्सो सो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ इन माय लाइफ. काफ़ी नॉमिनेशन है शो के लिए, काफ़ी कुछ यू नो फिंगर क्रॉस है आपके भी और काफ़ी दर्शकों के लिए, कुछ उम्मीदें यार. आई थिंक कुंडली को दर्शकों का प्यार पहले दिन से ही मिला, यू नो वी हैव टॉप द टीआरपी चार्ट्स सिंस इंसेप्शन एंड शो इज डूइंग सो वेल, especially Karan Luthra has become so famous, the character and all. So I'm really looking forward to the award ceremony today. Let's see, fingers crossed, let's see that I'll get the fans will get happy. I don't want to sound overconfident but mujhe yakeen hai ki we are taking home a couple of trophies because as an audience, not just as a wife, as an audience we all love Kundli Bhagya, we love watching Dheeraj Leeper as Karan Luthra. He's done such a brilliant job. So I don't want to sound wrong but I know it's going to happen. So we have a few trophies, we have to make place for it. यार मैं टिप नहीं दूंगा, मैं कहूँगा कि जस्ट बी हैप्पी यार, एक दूसरे का ख्याल रखो एंड यू नो एक दूसरे को खुश रखो, एक दूसरे के लिए जियो, अपने लिए भी जियो लेकिन एक दूसरे के लिए भी जियो. आई थिंक स्पेशली लड़के को सनी को कहूँगा मेरी बात, क्योंकि प्रिया जो हैं अपना घर छोड़ के आपके पास आ रही हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ रही हैं, तो आपकी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यू नो टू टेक केयर ऑफ हर इन अ गुड वे. सो मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहो, आबाद रहो एंड नेवर स्टॉप डेटिंग ईच अदर.
Yes. Yeah, I believe कि ये बहुत sensitive topic है. I was just going to say that. Yes, and मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो definitely they should be punished for it. And लेकिन investigation होनी चाहिए ताकि कोई गलत या कोई सही आदमी अंदर फायदा ना उठाए मी टू मोमेंट का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. इट्स अ ब्रिलियंट मोमेंट एंड आई रियली थिंक दैट वी आर डेफिनेटली इन सपोर्ट ऑफ दिस. बट आई ऑल्सो फील कि इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, यू नो. नॉट सी, बहुत जेन्युइन केसेस हैं बट कोई एक आधा, हर कोई तो अच्छा नहीं होता. सो आई जस्ट फील दैट यू नो इट शुड बी रियली इन्वेस्टिगेटेड एंड देन वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस मोमेंट. एब्सोल्युटली. Oh, give me. I'm wearing a gorgeous lehenga from Kalki. It's a dirty pink color. And we wanted to go with, again, something simple. हम दोनों मिलकर दूसरे के आउटफिट्स चूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी चॉइस मेरी आउटफिट पे रिफ्लेक्ट होती है और मेरी इनकी आउटफिट पे. सो दिस वाज म्यूचुअली डिसाइडेड एंड वी वांटेड टू स्टिक टू सिंपल. सो माय आउटफिट इज डिजाइन एंड स्टाइल्ड बाय शिवानी एंड शी इज अ डियर फ्रेंड एंड आई स्पेशली लव द शूज. ओके. एंड आई लव दिस एब्सोल्युटली समथिंग रियली डिफरेंट एंड रेडी फॉर द लास्ट. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई थिंक आई एम फिंगर्स क्रॉस दैट आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ. Yes, you are getting compliments. Right as well. What about the theme? Oh, it's so good. Oh, it's so good. Perfect. Perfect. Left. थोड़ा ही वीडियो वाले कैमरा में भी ओके सबको मिलेगा. ये क्या है ना सेंटर या लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड या लोग यहां पर ये सब लोग यहां पर राइट लोग अरे दादा हटो ना दादा. अरे